नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस वर्ष नहीं बढ़ेगा जमीन रजिस्ट्री शुल्क। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इस दिन से आवेदन होंगे शुरू। साइबर सातिरों से ऐसे निपटेंगे बिहार पुलिस। पटना पहुंची बिहार की अस्मिता, प्रतिज्ञा सीरियल की ठकुराई। टेस्ट सीरीज को लेकर इस पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NPCIL ने 193 नर्सों व अन्य पदों पर रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने नर्सों और अन्य पदों पर भर्ती के कुल मिलाकर 193 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 26 रिक्तियां नर्स ए पुरुष महिला पद के लिए, 3 रिक्तियां लैब टेक्नीशियन, 4 फार्मासिस्ट के लिए और 158 रिक्तियां स्टाइपेंडरी के लिए है तथा बाकी वैकेंसी के लिए है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://npcilcareers.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस वर्ष नहीं बढ़ेगा जमीन रजिस्ट्री शुल्क। उत्पाद एवं मद्य निषेध निबंधन विभाग के पास नए वित्तीय वर्ष में राज्य में जमीन के निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष जमीन के निबंधन शुल्क में पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बता दें कि राज्य में मौजूद सभी जमीनों का वर्गीकरण किया जा सके इसके लिए विभाग के अवर निबंधक समेत अन्य अधिकारियों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी जिलों से जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वह इस प्रक्रिया के पूरा किए जाने के बाद ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन को लेकर आगे की कोई पहल की जाएगी और रजिस्ट्री दर का निर्धारण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम बार MBR में 2016 में बढ़ोतरी की गई थी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे गोविंद कुमार सिंह के बारे में। गोविंद कुमार सिंह का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। यह एक भारतीय फैशन डिजाइनर है। वह जूम पर एक टेलीविजन रियलिटी शो लेट्स डिजाइन की 2 श्रृंखलाओं में दिखाई दिए और 2011 की श्रृंखला जीती। उन्होंने बैंगलोर भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से स्नातक किया। 2015 के अनुसार उन्हें सिलोंग के निफ्ट परिसर में सहायक प्रोफेसर फैशन डिजाइन के रूप में नियुक्त किया गया था। 2012-13 में उन्होंने असम ग्रामीण महिलाओं के लिए फैशन डिजाइन से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम चलाए। टेलीविजन प्रतियोगिता में सफलता मिलने के तुरंत बाद गोविंद कुमार सिंह के लेबल रैनूस को लॉन्च किया, जिन्होंने 2011 में रियलिटी आधारित प्रतियोगिता लेट्स डिजाइन जीता। श्रृंखला के अन्य सभी प्रतियोगियों के साथ उन्हें हाउट काउचर संग्रह डिजाइन करने के लिए कपास के साथ काम करने कहा गया था। 2010 में उन्होंने निफ्ट ग्रेजुएशन फैशन शो में मोस्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डिजाइन कलेक्शन अवार्ड जीता। उन्होंने लेट्स डिजाइन 2009 के पहले सीजन में सर्वश्रेष्ठ प्रिंट अ पॉटर परिधान के लिए एक पुरस्कार भी जीता। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इस दिन से आवेदन होंगे शुरू। अगर आप भी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य भर के करीब 330 कॉलेजों में लगभग 35,000 सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन की तारीख निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित की गई तारीख के अनुसार आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 15 से 20 फरवरी के बीच प्रारंभ होगी और इसका प्रवेश परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। वहीं अगर एडमिट कार्ड जारी होने की बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार यह एडमिट कार्ड मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकन की प्रक्रिया किसी भी हाल में 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी और जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश पहुंचेंगे कटिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा के तहत कटिहार पहुंचेंगे, जहां उनके सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बता दें कि नीतीश कुमार आज जिले के कोडा प्रखंड अंतर्गत दिघरी पंचायत पहुंचेंगे और वहां के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार यहां प्रधानमंत्री मत्स्य योजना अंतर्गत 5,50,000 से निर्मित 1 एकड़ 33 डिसिमल स्थित पर बने पोखर का उद्घाटन करेंगे और साथ ही सात निश्चय योजना अंतर्गत 3,01,000 रुपया से निर्मित सामूहिक नलकूप योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 2,000 स्क्वायर फीट पर निर्मित सिर नेट का भी नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। इन सब के साथ मुख्यमंत्री जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के सभागार में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसी क्रम में समाहरणालय के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।
बिहार के नालंदा में मिली 1200 साल पुरानी मूर्तियां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के नालंदा में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास से जल और पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली परियोजना के तहत एक तालाब से गाद निकालने के दौरान करीब 1200 साल पुरानी दो पत्थर की मूर्तियां मिली है। हालांकि अब तक इन दोनों मूर्तियों को लेकर न तो ASI के द्वारा और न ही प्रशासन के द्वारा कोई विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि इस मूर्ति को नालंदा संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से भारतीय ट्रेजर ट्रोव अधिनियम 1878 के प्रावधानों के अनुसार इन मूर्तियों को तुरंत सौंपने का स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी नालंदा में कई पुरातत्व अवशेष मिल चुके हैं। साइबर साथियों से ऐसे निपटेंगे बिहार पुलिस। इन दिनों बिहार में साइबर अपराध की घटना में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में बिहार पुलिस साइबर साथियों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। बता दें कि इस तैयारी के तहत एक बड़ा कॉल सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 24 घंटे लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा। इस बात की जानकारी ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। बता दें कि इस कॉल सेंटर के खुल जाने से लोग अपनी शिकायतें किसी भी समय कॉल कर बता सकते हैं। इस कॉल सेंटर का निर्माण आर्थिक अपराध इकाई मुख्यालय में किया जाएगा, जिसमें डायल 1930 काम करेगी। मालूम हो कि इस कॉल सेंटर के निर्माण होने के बाद एक बार में 30 कॉल को रिसीव किया जा सकेगा। वहीं हर घंटे की शिफ्ट में 30 लोगों की टीम काम करेगी। पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण पर हाईकोर्ट का अहम निर्देश। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा राज्य में एयरपोर्ट के मामले के संबंध में अभिजीत कुमार पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया। इस दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पटना और बिहटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के द्वारा कहा गया है कि राज्य में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जबकि ये बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है, जिसे कोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर कहा गया है कि यह मामला जनहित के अंतर्गत नहीं है और छोटे एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाज कैसे आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर राज्य के आसपास दूसरे राज्यों में इस तरह के एयरपोर्ट है तो बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर विचार करने का आदेश केंद्र और राज्य सरकार को दिया गया है। बिहारी पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे मिथिला शक्ति पीठ के बारे में। मिथिला शक्ति पीठ बिहार की सबसे सुंदर हिंदू मंदिरों में से एक है। मिथिला शक्ति पीठ में माता सती का बाया कंधा गिरा था। कहा जाता है कि देवी सती ने अपने पिता राजा दक्षिणेश्वर द्वारा आयोजित हवन की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव माता की शरीर को लेकर पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्हीं 51 भागों में से सती का बाया कंधा इस स्थान पर गिरा था। यह मंदिर माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को उमा या महादेवी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को महोदर के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ अस्तित्व में आ। यह अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाते हैं। पहुंची बिहार की अस्मिता प्रतिज्ञा सीरियल की ठकुराइन। आज के समय में बिहार के पटना की अस्मिता को पहचान की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठकुराइन का किरदार निभाने वाली अस्मिता शर्मा के बारे में। बता दें कि इन दिनों वह बिहार की राजधानी पटना में आई हुई है। दरअसल वह पटना में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने आई है। बताते चले कि अस्मिता शर्मा को देश में पहली बार शौचालय जैसे मसलों पर बनी फिल्म गुटुरगु को भी बनाने का श्रेय हासिल है। इसके अलावा हाल ही में उनके द्वारा एक और फिल्म लोटस ब्लूम्स भी बनाई गई थी, जिसका सिलेक्शन इंडियन पैनोरोमा में भी हुआ था। इस दौरान जब मीडिया कर्मी के द्वारा उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनका बड़ा शो बालिका वधू रहा है, फिर प्रतिज्ञा शो की बेंचमार्क था। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। सर सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा में भाग लेने के लिए बिहार के छात्रों के पास आखिरी मौका। ऐसे छात्र जो सर सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, यह खबर उनके लिए है। बता दें कि इस में भाग लेने वाले इच्छुक छात्रों के लिए आज का दिन आखिरी मौका है, क्योंकि आज इसके लिए आवेदन करने का अंतिम दिन है। वहीं आवेदन करने के बाद छात्र अपने प्रवेश पत्र 10 से 12 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 17 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। मालूम हो कि इस परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्रा आवेदन करने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के बच्चों का कमाल। बिहार के बच्चों के द्वारा बनाए गए दो प्रोजेक्ट्स को अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में A+ की ग्रेडिंग मिली है। बता दें कि पटना के हर्ष कुमार और अमित कुमार के कंबाइंड प्रोजेक्ट को जहां A+ ग्रेडिंग मिली है, तो वहीं प्रणव सुमन के प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग A+ ग्रेडिंग मिली है। इन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और सिटीजन से नवाजा गया है। इस प्रतियोगिता में आउटस्टैंडिंग A+ ग्रेडिंग मिलने के बाद अब प्रणव का सिलेक्शन IRIS नेशनल फेयर में हुआ है। IRIS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विजेता छात्रों को अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्रणव अगले साल जनवरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश विदेश से कुल 800 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 20 बच्चों को A+ ग्रेडिंग दिया गया है। प्रदेश के उत्तर के जिलों में सताएगी ठंड। बिहार में एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। बता दें कि बीते दिन राजधानी के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 48 घंटे में प्रदेश के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहने वाला है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने वाला है। इन दिनों पछुआ हवा की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। इधर मौसम के जानकारों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, यानी कि इन दिनों ठंड जैसे हालात दिखने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में ठंड एवं कोहरे जैसे हालात रहने वाले हैं। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार को रेल परियोजनाओं के लिए बजट में मिले 8,505 करोड़। साल 2023-24 के बजट में बिहार के रेल परियोजनाओं के लिए बजट में 8,505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में 87 रेलवे स्टेशन दोहरीकरण, नई लाइन बिछाने और दूसरे कामों पर बजट में आवंटित राशि को खर्च किया जाएगा। दरअसल इस बात की जानकारी अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है, उनके द्वारा शुक्रवार को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे की टीम इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य को बिना राजनीति के पूरा सहयोग देना चाहिए। बताते चले कि DRM द्वारा यह बताया गया है कि पटना से हावड़ा और पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। साथ ही साथ वैष्णव द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री का मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के तहत राज्य सरकार को भी काम करना चाहिए। राजधानी पटना की सड़कों पर चलेगी 61 नई CNG बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा संचालित बस सेवा में 75 नई CNG बसों को शामिल किया गया है। इनमें 25 AC और 50 नॉन AC बसें शामिल है। मालूम हो कि इन 75 बसों में से 61 बसों को सिटी बस सेवा में शामिल किया गया है। इन 61 बसों में 21 AC और 40 नॉन AC बसें हैं। बता दें कि इन बसों के परिचालन की शुरुआत होने से नगर सेवा बसों की कुल संख्या बढ़कर 145 हो जाएगी। वहीं इन 61 CNG बसों के आने से सिटी बस सेवा पूरी तरह डीजल मुक्त हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बसों को सिटी बस के बेड़े में शामिल होने के साथ ही 50 डीजल बसों को सिटी बस सेवा से निष्कासित भी किया गया है। इससे पटना में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर भी काफी कम होगा। अग्निवीर भर्ती के चयन प्रक्रिया में हुआ ये बदलाव। अग्निपथ योजना के अंतर्गत हो रही अग्निवीर भर्ती के चयन प्रक्रिया में इंडियन आर्मी के द्वारा बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब उम्मीदवार को पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके बाद फिजिकल व मेडिकल टेस्ट देना होगा। बता दें कि इस नियम में इसलिए बदलाव किया गया है ताकि अग्निवीर भर्ती रैली में उम्री युवाओं की भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। इससे पहले उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट लिए जाते थे और उसमें सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 फरवरी से की जा सकती है और इसकी लिखित परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जाएगी, जो 200 जगहों के लिए होगी। बीते दिन सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचे किशनगंज। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने किशनगंज के भेड़िया डांगी गांव का दौरा कर रेशम केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक स्थानीय स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का दौरा किया और वहां पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और साथ ही नल जल योजना, नली गली योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौशल युवा कार्यक्रम, उद्यमी योजना, जीविका कार्यालय समेत तमाम सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की। इसके बाद उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद कर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिया।
के पाठक के वीडियो पर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। कुछ दिनों पहले मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बिहार के लोगों और अपने जूनियर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते नजर आ रहे थे। वहीं अब एक बार फिर उनका एक और दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पुराने वीडियो की जानकारी होने की बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक पहला वाला वीडियो ही देखा है और वह देखकर लगता है कि वह माफी के काबिल नहीं है, उनके खिलाफ जरूर कोई कदम उठाया जाएगा। बता दें कि के पाठक अपने दूसरे वीडियो में लगातार गाली देकर बुरा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके आसपास कई अधिकारी और महिला अफसर भी मौजूद थे और वे सभी को धड़ाधड़ गाली दिए जा रहे हैं। शरद यादव की अंतिम इच्छा को उनके बेटे ने किया पूरा। पटना में बीते दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की अस्थि पहुंच गई। दरअसल शरद यादव की अस्थि को उनके बेटे शांतनु और उनकी बेटी सुभाषनी बिहार लेकर आए हैं। शरद यादव अमर रहे और मंडल मसीहा अमर रहे के नारे आरजेडी के कार्यकर्ता द्वारा पटना एयरपोर्ट पर लगाए गए। आरजेडी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस दौरान शांतनु ने पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पिता की यह अंतिम इच्छा थी कि उनके अस्थि कलश को उनके कर्मभूमि मधेपुरा तक भी ले जाया जाए। यही वजह है कि उनकी अस्थि को लेकर यहां आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। इन दिनों ऐसी खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बड़े भाई है, अगर उनके तरफ से बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव आता है तो उस पर हमारी पार्टी के द्वारा जरूर सोच विचार किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने यह सभी बातें बीते दिन बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही। इसके साथ उन्होंने के पाठक के बयान को लेकर भी नीतीश कुमार को अपने निशाने में लिया और कहा कि ऐसे अधिकारियों को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी शर्म बची है तो तुरंत वह के पाठक के खिलाफ कार्रवाई करे। सीरीज को लेकर इस पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी। 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया और भारत के टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत सकता है। ऋषभ पंत, रविन्द्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण भारतीय टीम कमजोर लग रही है। विराट कोहली पर बहुत अधिक दारमोदार होगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी प्रतिभा और हुनर का पूरा निचोड़ लगाना होगा। भारत में जीतना अब उतना मुश्किल नहीं है। अपने नियमित दौरे हो रहे हैं और आईपीएल से काफी अनुभव भी मिल रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में भड़की हुई भीड़ ने 1922 में पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने अपना आखिरी टेस्ट खेलकर 5 फरवरी 1992 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत की सुनीता विलियम्स 2007 में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2010 में नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया। 5 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय ने YouTube चैनल लॉन्च किया। सिखों के सातवें गुरु हर राय का सन 1630 में पंजाब के कीरतपुर में जन्म हुआ। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पुत्र और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का 1976 में जन्म हुआ। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का 5 फरवरी 1990 में जन्म हुआ। 1927 में भारतीय सूफी संत इनायत खान का निधन हुआ। एक क्लिक से घर बैठे करें वोटर आईडी का एड्रेस चेंज। अगर आप भी घर बैठे अपने वोटर आईडी के एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको www.nbsp.in पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। अगर आप किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं तो नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन या एसी से ट्रांसफर के कारण फॉर्म 6 पर क्लिक करें। अगर आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निवास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं तो फॉर्म 8A पर क्लिक करें। इसके बाद अपने से जुड़े सभी अनिवार्य विवरण भरें। अब वैकल्पिक विवरण सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद फोटोग्राफ, पते का प्रमाण और उम्र का प्रमाण सहित सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करें। अब सभी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को ऑनलाइन जमा करें और इसके बाद डिक्लेरेशन ऑप्शन को भरें और कैप्चा नंबर डालें। आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करें और सबमिट टैब पर क्लिक करें।
आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी नियुक्ति पत्र में यह दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जिसके लिए 4,950 रुपए जमा करने होंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह खबर फर्जी है, ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी नहीं किया गया है। बिलगेट्स के बिहार यात्रा वाले स्पेशल डिश के वीडियो की प्रधानमंत्री ने की तारीफ। बिहारी डिश का अपना एक अलग ही स्वाद और पहचान है जो केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। ट्रेडिशनल डिश को बिहार में आज भी लोग बड़े ही शौक के साथ खाते हैं। शायद इसलिए बिहार भ्रमण का जिक्र करते हुए रोटी बनाने वाले वीडियो को टॉप 10 अमीर आदमी में शुमार बिलगेट्स ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उनकी हमने एक साथ भारतीय रोटी बनाकर खूब मस्ती की। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा भी इस वीडियो को शेयर किया गया। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बिलगेट्स की तारीफ भी की है। साथ ही साथ उन्होंने बाजरे की रोटी का सुझाव भी बिलगेट्स को दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, पंकज सरकार, राम प्रकाश कुमार, कन्हैया कुमार, योगेंद्र रजक, वेद प्रकाश सिंह, शंकर मुखिया, महमूद अंसारी, अतीक खान, मंगिता भारती, नुन्नू गोलू कुमार, नरेश राम, चंदन कुमार, धर्मवीर भक्ता, रूपेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार साइबर साथियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो कॉल सेंटर खोलने का प्लान बनाया गया है वह कितना कारगर साबित होगा? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।